सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सनी सौरभ, AK इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे यहां एडमिशन या कोर्सेज से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9708441666 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों 9708441666 पर सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन से संबंधित जानकारी दी जाएगी या कोर्सेज से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस पर आपके कोई भी कंप्लेन या सुझाव नहीं सुने जाएंगे। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आपने सेफ मोड के बारे में बहुत सुना होगा जो कि कंप्यूटर में होता है, तो आज का हमारा वीडियो उसी से रिलेटेड है जो कि अविनाश सर आपको बताएंगे कि सेफ मोड आखिर होता क्या है। तो चलिए मैं उनके क्लास में आपको ले चलता हूं और जानते हैं सेफ मोड के बारे में। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश और आप सब लोगों का हमारे AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको सेफ मोड के बारे में। ये सेफ मोड क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं इसके बाद हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है और इसी दौरान हम इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो कई बार क्या होता है कि गलती से हम एक मलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे वायरस या फिर किसी के यहाँ पर, तो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं हमें लगता है कि ये एप्लीकेशन है और जब हम उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो इस सिस्टम का बिहेवियर ख़राब हो जाता है, बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, कोई भी एप्लीकेशन सही से रन नहीं करता है या फिर सिस्टम बहुत ही स्लो चलने लगती है। और उस एप्लीकेशन को जब हम अनइंस्टॉल करने जाते हैं तो वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, कि सोल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, कि इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए, ये अनइंस्टॉल होता क्यों नहीं है ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हम किसी चलती गाड़ी में डायरेक्ट चढ़ नहीं सकते हैं, जब वो गाड़ी रुकेगी तभी उसमें चढ़ सकते हैं, या फिर किसी बिजली के तार में, अगर वो बिजली के तार में करंट जा रही है तो उसे डायरेक्ट उसी समय हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, पहले करंट को ऑफ करना होगा तब उस तार को हम रिपेयर कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं कि वो एप्लीकेशन को पहले हमें स्टॉप करना होगा, वो इंटरनली रन होते रहता है इसलिए हम उसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उसे अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है सेफ मोड में, और ये सेफ मोड एक ऐसी फीचर है विंडोज़ की जहाँ पर ये विंडोज़ अपने सबसे मिनिमम रिसोर्सेज पे स्टार्ट होता है और इसमें जा कर के हम उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा होता है और इसे हम इजीली अनइंस्टॉल कर पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में विंडोज का ये एडवांस बूट ऑप्शन यानी सेफ मोड कैसे स्टार्ट होता है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और जैसे ही ये स्टार्ट होने लगेगा उसी समय हम कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे। तो चलिए सिस्टम पर हम करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट हो रहा है और जैसे ही ये स्टार्ट होने लगेगा उसी समय हम कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करते रहेंगे। और ये जो सेफ मोड है सभी विंडोज़ में आती है, विंडोज़ XP 8 10 सभी में आती है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है। आप यहाँ पर F8 बटन प्रेस करते रहिए। ये देखिए एडवांस बूट ऑप्शन जिसमें आपको सेफ मोड का ऑप्शन मिलता है। अब इस सेफ मोड में जा कर के आप इंटर करते हो तो यहाँ पर ये इस तरह के अपने मिनिमम रिसोर्सेज पे स्टार्ट होगा और बाकी भी जितने भी एप्लीकेशन और जो ड्राइवर होते हैं वो सभी डिजेबल हो जाते हैं इस समय। देखते हैं ये किस तरह से ओपन होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो भी काफ़ी लो आ गया और सारे आइकन्स वगैरह भी काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और ये स्क्रीन भी ब्लैक और यहाँ पर सेफ मोड भी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो विंडोज़ है ना अभी अपनी मिनिमम रिसोर्सेज पे चल रही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट पे चल रही है और यहाँ पर सारे एप्लीकेशन वगैरह डिजेबल होते हैं, जो कि एप्लीकेशन जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं उसके दौरान ही स्टार्ट हो जाते हैं वो सारे एप्लीकेशन भी डिजेबल रहते हैं और बाकी के एंटीवायरस और ड्राइवर वगैरह भी डिजेबल रहते हैं। तो इस समय अब जा करके आप आसानी से कंट्रोल पैनल से जा करके आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
जैसे अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे तो देखिए इतने सारे यहाँ पर एप्लीकेशन आ गया। आप किसी जैसे मान लेते हैं ड्राइवर पैक नोटिफायर हमें नहीं चाहिए या फिर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो जो भी इस तरह के एप्लीकेशन आएंगे जो कि नॉर्मल विंडोज़ स्टार्टिंग के समय स्टार्ट वो अनइंस्टॉल नहीं होते, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम ड्राइवर पैक नोटिफायर को अनइंस्टॉल करते हैं, ये देखिए अनइंस्टॉल हो गया इजीली। अब हम इसे नॉर्मली स्टार्ट कर देंगे और हमारे सिस्टम से जो सिस्टम नॉर्मली स्टार्ट करते थे तो एप्लीकेशन क्रिएट करता प्रॉब्लम क्रिएट करता था वो सॉल्व हो जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा ट्रिक था जिसके जरिए जो होम यूजर्स हैं जो इस फील्ड में बिगिनर्स हैं उन लोगों के पास इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, तो इस ट्रिक के जरिए उस तरह के प्रॉब्लम को जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह के कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर हार्डवेयर से रिलेटेड जो एके इन्फो कोर्सेज कराते हैं, मोबाइल लैपटॉप स्मार्ट टीवी इन सब के कोर्सेज कराते हैं एके इन्फो, अगर आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी कुछ मदद हो जाएगी। मैं आपको आगे बता दूं आप वीडियो से जाइएगा मत, ठीक है। ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर की एक टॉपिक थी छोटी सी, हमारे यहाँ हार्डवेयर में LCD LED मोबाइल रिपेयरिंग लैपटॉप रिपेयरिंग सब की सब हार्डवेयर की ट्रेनिंग चिप लेवल की दी जाती है। आप चिप समझते होंगे मदरबोर्ड पे जो छोटा छोटा पार्ट लगा होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि उन छोटे छोटे पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती होगी और कितने इस फील्ड के माहिर शिक्षकों की और जानकारों की ज़रूरत होती होगी। तो वैसे व्यवस्था हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, उस तरह की मशीनें हमारे पास है, उस तरह के शिक्षक हमारे पास हैं, तो आप अपना यहाँ पे उज्जवल भविष्य देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ जुड़िए और एटलीस्ट एक डेमो क्लास लेकर के आप ज़रूर देखिए। इसके लिए आप जानकारी के लिए कोर्सेज और एडमिशन संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441666 पर कॉल कर सकते हैं या फिर www.akinfo.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।